फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। हम अभी आए हैं विज्ञान भवन। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ विज्ञान भवन। ऐसा लग रहा है ना अंदर जा रहे होंगे। हाँ। बहुत ज्यादा डुगल डमरू सारे यहाँ पे रखे गए हैं, देखिए। गाइस, अभी हम आए 3D थिएटर में। टाइमिंग का है? भूख लग गई किसी को? टाइमिंग है 10:15 से 5 संडे। दिस ट्रेंड टू गोज टू विधोली पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी। यू मीन दिस गाय इज वेरी हैप्पी? माय चेस्ट इज ब्लॉक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। हम अभी आए हैं विज्ञान भवन। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ विज्ञान भवन। ये देखिए साइंस सिटी, विज्ञान धाम। यहाँ से एंट्री अंदर के लिए, और अंदर से मिलेगा हमें पास। ये देखिए यहाँ पे पार्किंग है, ये देखिए। और वो आगे से टिकट मिलेगा अंदर जाने के लिए, पास है। हम देहरादून आए थे तो हमने सोचा चलो घूम लेते हैं सब जगह, मरन को भी घुमा लेते हैं, और फैमिली के साथ घूमने में थोड़ा मजा आता है। देखिए, हम आज आए हैं विज्ञान धाम साइंस सिटी। बहुत प्यारा व्यू है, देखिए यहाँ का। पूरा दिखाएंगे आप लोगों को क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से टिकट के लिए है, यहाँ आगे यहाँ से टिकट मिलेगा। जो हस्बैंड लोग चले गए हैं अंदर, और हम भी चलते हैं अंदर के लिए। फटाफट से आप लोगों को दिखाएंगे क्या क्या है यहाँ पे। तो चलिए देखिए, आंचलिक विज्ञान। यहाँ पे ये लोग सिंचाई कर रहे हैं पेड़ पौधों के लिए। यहाँ पे हितेश पानी पी रहा है जो नहीं आ रहा है। देखिए लीकेज हो गया यहाँ पे। क्या लिखा है? पिंजरे में आ जाएगा पक्षी घुमाने से। अच्छा, धीरे को धीरे घुमाए, हत्ते को धीरे घुमाएं, आप देखेंगे कि प्ले। खराब हो रखा है, दिख नहीं रहा है कुछ भी। वाओ यार, इनमें फोटो भी खींच सकते हैं बैठ के? नहीं, अलाउड नहीं होगा शायद। धारा के दिखाऊंगी आपको। अभी फिलहाल हम
डायनासोर अंदर जाएंगे। ओ बेटे अंदर ये तो नहीं है कि वो है, फोटो नहीं लेने देंगे। देखिए साइंस सिटी, वहाँ पे बच्चों को झूला झूलने के लिए भी है, बाद में आएंगे हम लोग बाहर, पहले ही हम चलते हैं अंदर। पढ़ लेना यार, कहीं पे लिखा तो नहीं है। गाइस अभी हम आए 3D थिएटर में। ऐसा लग रहा हम अंदर जा रहे होंगे उसके, ऐसा लग रहा ना अंदर जा रहे होंगे। लग रहा है कि यहाँ पे होंगे। ऑक्टोपस देखो।
हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे भैया। बैबू वो चला रहा, चला तो चला, हो गया बेटा बाहर निकालेगा। चलो जब नीचे आएंगे रिसु आजा। इसी तो करते हैं ये सब। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, अभी तक हमने देखा है तारामंडल। तारामंडल की सैर करी थी, वहाँ पे फोन अलाउ नहीं था क्योंकि लाइट ऑफ करके दिखाई दे रहा था वहाँ पे। और अभी हम जाएंगे यहाँ हिमालय पे जाएंगे हम लोग। अच्छा फोन में तो बता ही नहीं रहा यार, आप बता ना। हिमालय विश्व की सबसे बड़ी एवं सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के निर्माण और उससे जुड़ी चमत्कारी भू विज्ञान वनस्पति एवं जीव जंतु शानदार चोटियों पर्यटन एवं तीर्थाटन जन संस्कृति परंपरा जलवायु परिवर्तन तथा नाजुक परिवेश की मनमोहक कथा पर आधारित यह एक प्रदर्शनी है। ये सारे पर्वत चोटियां हैं। इसमें कोई पत्थर रखते हैं, इसमें पत्थर रखेंगे क्या हो रहा उसके बारे में आ जाएगा। अच्छा अभी कुछ दूसरा नदी तल। देखो ये देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है। सारा पढ़ सकते हैं, सारा पढ़ सकते हैं। इधर देखो रामनाथ सिकंदर, ये हैं जिन्होंने एवरेस्ट की खोज करी थी और इन्हीं के नाम पे रखा गया था, बाद में चेंज हो गया था। ये देखिए इसमें चलेंगे तो ये जूम, इसमें चलेंगे तो ये जूम होता जाएगा। ये देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा बैबू जा रहा है तो वो आगे के लिए आ रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ है सीखने के लिए, आप लोग अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं यहाँ पे उनको दिखाने के लिए कि यहाँ पे है क्या क्या।
और देखिए आप लोग आराम से पढ़ना क्या क्या है यहाँ, मैं दिखाती जाऊंगी आप लोगों को। देखिए पूरा जंगल बना हुआ है, हिमालय के पुल देखिए लोग कैसे कैसे करके नेपाल, मतलब पहाड़ों में कैसे कैसे लोग पुल बनाते हैं हिमालय में पहाड़ों में, ये देखिए सारे इसके बारे में। ऐसे पुल पे तो हम लोग भी गए हैं, एक बार आप लोग भी जरूर आए यहाँ देखने, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी देखते हैं आगे क्या क्या है। अमरनाथ कभी गए नहीं, भगवान करे अमरनाथ गुफा हम गए नहीं, लेकिन हमें भी वहाँ पे बुलावा आ जाएगा तो यहाँ पे हम उसकी उनकी प्रतिमा देख लेते हैं। ये आप यहाँ पे पढ़ लेना और देखिए अमरनाथ गुफा, यहाँ पे पूरी जंगलों वाली फीलिंग आ रही है। सब कुछ देख लिया, बहुत अच्छा लग रहा है और अभी हम आगे जा रहे हैं कुछ और देखने, तो आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या देखते हैं। तो चलिए हमारे साथ क्या क्या देखते हैं।